नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में दाखिल खारिज के नियमों को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े आपराधिक मामलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जमीन से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसी कड़ी में बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कुछ न कुछ नए संशोधन करती रही है। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए अब दाखिल खारिज के नियमों में नए मालिक के नाम के साथ ही अब इसके नक्शे में भी बदलाव होगा, यानी कि नाम और नक्शा दोनों का एक साथ ही म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री कराता है तो दाखिल खारिज में उसका नाम, प्लॉट नंबर के साथ ही उस जमीन का नक्शा भी नए रूप में तैयार करके दिया जाएगा। इससे भविष्य में जमीन विवाद से जुड़ी कोई भी आशंका नहीं रहेगी। राज्य में जमीन के हो रहे नए सर्वे के बाद से प्रावधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस नियम के लागू हो जाने से जमीन के सीमांकन के साथ ही नक्शे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सरकार इसके लिए दाखिल खारिज कानून में संशोधन करने जा रही है। विधि विभाग के इस संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद से अब यह कैबिनेट के पास होगा और उसके बाद इसे मानसून सत्र में विधानमंडल से पारित करवा कर लागू कर दिया जाएगा। जमीन दाखिल खारिज कानून में नए आ रहे अहम संशोधन के तहत नक्शे में जमीन की चौहद्दी का निर्धारण रैयत या फिर संबंधित जमीन मालिक को करके बताना होगा। किसी भी नक्शे में चौहद्दी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर दाखिल खारिज से जुड़ा कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा संबंधित होल्डिंग क्षेत्र से पदाधिकारी या फिर CEO के पास होगा। इस नए नियम के तहत जमीन के नक्शे का प्रारूप अंतिम रूप से तैयार होने के बाद ही उसे जारी किया जाएगा। नए नियम के तहत जमीन के डीड या फिर एग्रीमेंट में जमीन का प्री म्यूटेशन स्केच भी रजिस्ट्रेशन के कागज में जमा करना होगा। रैयत को भी अपनी जमीन का नक्शा तैयार करवाना होगा। अब जब जमीन का दाखिल खारिज होगा तो उस समय प्री म्यूटेशन स्केच की आवश्यकता जमीन की सभी तरह के रजिस्ट्रेशन पर पड़ेगी, चाहे वह जमीन गिफ्ट, बदलाइन यानी कि अदला बदली के तहत खरीद बिक्री, बंटवारा, पैतृक, कोर्ट ऑर्डर समेत अन्य सभी तरह के जमीन की रजिस्ट्री हो, इन सभी में यह लागू होगा। राज्य सरकार ने जमीन को स्केच तैयार करने के लिए जमीन सर्वेयर या फिर किसी तीसरी पार्टी को करने की भी छूट दे रखी है। बिहार सरकार नक्शा तैयार करने के लिए युवाओं की बहाली भी करेगी। बताया जा रहा है कि नए प्रावधान के अंतर्गत सभी अंचलों में सिविल ट्रेड के डिप्लोमाधारी युवाओं की बहाली की जाएगी, जिनका काम खास तौर पर नक्शा तैयार करना होगा। इस मामले को लेकर अभी अंतिम सहमति बन रही है। जमीन का नक्शा तैयार करने वालों को राज्य सरकार उचित ट्रेनिंग देगी। ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार कितनी जल्दी बिहार में जमीन से जुड़े विवादों को निपटारा करती है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से जमीन से जुड़े मामलों में निपटारा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो ये थी जमीन से लेकर जुड़ी हुई खास खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।